नमस्कार, केपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज उस खबर का जिक्र जो कल शाम चर्चा में रही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुशीपार के उस ट्रक वाले हादसे की, जो एक फिल्मी स्टाइल से ट्रक आता है और दर्जनों वाहनों को रौंदते हुए चला जाता है। गनीमत है कि वहाँ पर उस ट्रक की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन लोग ज़रूर घायल हुए। और वाकया कुछ ऐसा था कि कल देर शाम खुशीपार के श्रीराम चौक से एक ट्रक चालक गुजरा और उसकी रफ्तार इतनी अनियंत्रित थी कि आजू बाजू के जो सड़क में किनारे गाड़ियां रखी थी, दोपहिया वाहन रखे थे, उसे वो घसीटते हुए अपने साथ लेके गया। यह ट्रक ड्राइवर नशे में था और इसकी वजह से वह किसी की सुन भी नहीं रहा था और वह वाहन से अपना नियंत्रण खो चुका था, ट्रक से नियंत्रण खो चुका था और जा करके वो मस्जिद के पास एक मोड़ था और वहाँ जा करके वो टकरा गया और उसकी गाड़ी वहाँ से नहीं निकल पाई। गनीमत है, क्योंकि अगर गाड़ी वहाँ से आगे की ओर बढ़ती तो शायद न जाने और कितने लोग इस ट्रक की चपेट में आते। और घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तब पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी कर लिया, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। और इस घटना के साथ में एक जो पल्सर जो थी वहाँ पे, एक टेंट हाउस के बगल में एक पल्सर खड़ी थी और पल्सर तो करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए गई। और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पल्सर के साथ साथ एक और छोटी दोपहिया वाहन थी, वो भी घसीटते हुए कुछ दूर तक चली। रविवार देर शाम जब लगभग 6:30 से 7 के बीच यह ट्रक क्रमांक CG07CJ1856 का चालक नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था और यह खुशीपार के रिहायशी इलाकों से गुजर रहा था, तब मस्जिद रोड BSP कन्या स्कूल के पास पहुंचते तक उसने करीब आधा दर्जन से भी ज़्यादा वाहनों को रौंद डाला था। आखिर में मस्जिद रोड के पास मोड़ पर वह फंस गया, जहां पर लोगों ने उसे घेर लिया। चालक बहुत ज़्यादा नशे में था, इसकी वजह से लोगों ने उसके साथ मारपीट तो नहीं की, लेकिन पुलिस को सूचना देकर तुरंत बुलाया और पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो यहाँ पर जिस तरीके से जो गाड़ी की स्पीड थी, ट्रक की स्पीड थी, वो बहुत ज़्यादा थी और वो काफ़ी अनबैलेंस होकर के ट्रक चला रहा था। और यहाँ पर खड़ी एक पल्सर थी जिसका नंबर CG07BC0636 खड़ी थी और इसे ट्रक चालक ने ऐसी ठोकर मारी कि गाड़ी उस ट्रक में फंस गई और घसीटते हुए करीब 20 मीटर तक आगे गई और पल्सर की हालत इतनी खराब होगी, वो पल्सर एकदम चकनाचूर जैसी स्थिति में पहुंच गई। गनीमत है कि बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि ट्रक चालक ने जिस तरीके से गाड़ी चलाई लापरवाही पूर्वक नशे में, वह किसी की जान लेकर ही जाता, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई बड़ी इंजुरी नहीं हुई और लोग इस घटना से बच गए। शहर की ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा KP न्यूज़ से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।